जानते हैं, लूसिफर गॉड का फेवरेट एंजल हुआ करता था। वो भी क्या दिन थे। कहां से शुरू करूं? वैसे मैं एक डेविल हूं। मैंने ही डैडी प्रॉब्लम्स का इजाद किया, डैड से जंग शुरू की और हेल पे राज करने भेज दिया गया। फिर सोचा मुझे छुट्टी पे जाना चाहिए और मैं यहाँ आ गया, लॉस एंजलिस, जो मैं बता दूं कि कोई एंजल्स का शहर नहीं है और मुझे यही चाहिए था। मैं हेवन से तुम्हारी वापसी का फरमान लेकर आया हूँ लूस। डैड से कहना कि मैंने हेल छोड़ दिया है क्योंकि मैं उनकी नौटंकी का हिस्सा बनकर थक चुका हूँ। मैंने एक बार खरीदा, बहुत सारी पार्टीज की अपनी डीमन दोस्त मेज के साथ, अपने भाई एमेनाडील को तंग किया जिसमें काफी मजा आया, और तुम मेरे फेवरेट दोस्त गोडो है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। मैं एक मर्डर केस में फंस गया। एक एलएपीडी डिटेक्टिव की केस सॉल्व करने में मदद की, डिटेक्टिव क्लोई डेकर। मैंने उसे कहा कि मैं डेविल हूँ, लेकिन उसने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। वैसे कौन करता है। मैं लोगों के दिल की ख्वाहिश उनकी जुबान पे ला सकता हूँ। मैं समझ गई। ये नाम, ये सब लूसिफर का नाटक और ख्वाहिश तुम्हारी सुपर पावर है। ये तो गॉड की गिफ्ट है। कोई तो खास बात है इस डिटेक्टिव में। ये अकेली इंसान है जिस पर जरा सा भी असर नहीं होता है मेरे डेविलिश चार्म का। मैं तुमसे कभी भी इंप्रेस नहीं होने वाली। वो तो पता चली जाए। हेल जाना बेहतर होगा। उसका इंतजाम कर सकता हूँ। चुपचाप कार में बैठो। वैसे भी मेरी थेरेपिस्ट डॉक्टर लिंडा की मदद से, जैसा कि अक्सर एलए में होता है, मैंने डिटेक्टिव के साथ काम करने का रास्ता ढूंढ लिया, और उसके घोंचू से एक्स हस्बैंड डैन के साथ भी, और बहुत ही प्यारी सी फोरेंसिक साइंटिस्ट मिस लोपेज के साथ भी। इतना अच्छा मौका मिला है, किस तो करो। पिछले कुछ सालों में बहुत सी मुश्किलें आईं। तुम मुझे शार्लेट रिचर्ड्स की जिंदगी दे रहे हो। और कोई रास्ता नहीं है माँ। मेज एक बाउंटी हंटर बन गई। मैं बोर हो गई थी, थोड़ा एक्शन चाहिए था। अमेनाडील ने अपने पंख खो दिए। जब पंख वापस मिले तो वो हमारी खास दोस्त को लेके हेवन चला गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या उस डिटेक्टिव को ये एहसास हुआ कि वो मेरे प्यार में पागल है? उसे लगभग एहसास हो ही गया था, और फिर उसने मेरा असली चेहरा देख लिया और वो जान गई कि यकीनन मैं डेविल हूं। तो अपना ड्रिंक बना लीजिए, जरूरत पड़ेगी। तो भी शुरू हुआ है। बचना नामुमकिन है,